नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले आलू वड़ा, रिजल्ट आपके सामने। अभी रक्षाबंधन भी हो गई है और मीठा खा खा के हम लोग बोर हो गए, तो क्यों ना अभी नई टेस्ट और चटपटे के साथ बनाएंगे नए तरीके से आलू वड़ा। रिजल्ट तो देख रहे हो दोस्तों, अंदर से कितने सॉफ्ट है, बाहर से बहुत ही करारे है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। अभी तक नए हो गए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, बेल आइकन पे भी क्लिक करो, यानी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते नए तरीके से आलू वड़ा। तो यहाँ पे हमने पहले मसाला रेडी कर लेना है, तो इसके यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लेना है। यहाँ पे हम डालने वाले आधा इंच अदरक का टुकड़ा, यहाँ पे हमने दो मिर्ची है पर उसको मैंने चार में कट कर ली थी, इसी तरह से फीकी वाली मिर्ची है। आपको तीखापन ज्यादा पसंद हो तो आप मिर्ची ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने मिर्ची डाल दी है ग्रीन वाली। यहाँ पे हम डालेंगे मीठे कड़ी पत्ते 10 या 12, और इसके साथ हम डालेंगे आधा चम्मच वरियाली, बड़ी शॉप डालनी, इसकी जो टेस्ट होती है दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे हमने डालनी 1 चम्मच जितनी मूंगफली, ये कच्ची वाली मूंगफली लेनी है हमें, भुनी वाली नहीं लेनी है। जब हम इसको फ्राई करते हैं ना बड़े, तो दांतों में आता है ना, तो क्रिस्पीपन बहुत अच्छा आता है मूंगफली का, इसलिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच जितनी छोटे वाले मूंगफली डाल देनी है। अभी इसको हमें क्या करना है, बिना पानी के दरदरा पीस लेना है। अभी यहाँ पर हमने मसाला रेडी कर लिया है, देखो इसी तरह से। यहाँ पे हमें पानी का थोड़ा भी यूज करना नहीं, सिर्फ बिना पानी से इसको दरदरा हमें पीस लेना है। यदि आपको पीसना नहीं पसंद होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको कूट भी सकते हो। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए यहाँ पे मैंने मिक्सर में ही कूट लिया हुआ है, पीस लिया हुआ है। अभी एक बॉल ले लेते बड़ा वाला। अभी यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए उबले हुए। आलू को कभी उबालने के बाद, इसको ठंडा होने के बाद ही छिलके और बाद में इसको मैश करना है, गरम गरम हमें निकालना है, तो पानी होता है आलू में। देख लो अभी ठंडा होने के बाद हमने इसे मैश करे तो पूरा आलू हमारा ड्राई हो जाता है, और हाथ भी देखो मेरा पूरा गीला, थोड़ा भी नहीं। और जो वड़े हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम बेसन में बनाने वाले, 1 चम्मच बेसन में ही बनाने वाले हैं दोस्तों। इसको ज्यादा बेसन का आटा में लगने वाला ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगा ही, और वीडियो पसंद आने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अभी यहाँ पे आलू को हमने मैश कर लिया हुआ है, अभी यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डालनी है, तीखी वाली नहीं दोस्तों, कलर वाली हमने डाली काश्मीरी। इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, यहाँ पे डाल जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी के साथ जाएगा 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, क्योंकि चटपटा स्वाद बहुत अच्छा आता है। यदि आपके पास आमचूर पाउडर नहीं होगा और नहीं खाना पसंद करते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो 1/2 चम्मच। तो यहाँ पे हमें आमचूर पाउडर डाल देना है 1/2 चम्मच। यहाँ पे हमें डालना है जीरा, इसी के साथ हमने डालना है 1 बड़ा चम्मच तिल डाल देते हैं। तिल की भी जो टेस्ट होती है दोस्तों बहुत ही बढ़िया आती है खाने में। यहाँ पे हमने डालना है 1 छोटा वाला प्याज बारीक कटा हुआ डाल देना है। यदि आप प्याज खाना पसंद करते होगे तो डालना है, नहीं खाना पसंद करते तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। 1/2 चम्मच यहाँ पे धना पाउडर ऐड कर लेना है। इसी के साथ हमने डालना है एक थोड़ा सा कुरकुरापन आने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 3 बारीक वाला सूजी डालने, बारीक वाली। यदि बारीक वाली सूजी नहीं होगी तो मिक्सर में ग्राइंड कर लेते, बारीक सूजी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें बारीक वाली सूजी ऐड कर लेनी है। इसी के साथ हमने डालना है 1 बड़ा वाला चम्मच बेसन का आटा डालना है, ज्यादा भी बड़ा नहीं, सिर्फ 1 बड़ा वाला होता है ना वैसा डालना है। अभी जो हमने मसाला लिया पीसा था वो ऐड कर लेते हैं, पूरा ही इसके अंदर डाल देना है हमें इसके साथ ही। तो यहाँ पे सारा मसाला हमें डाल देना है। अभी यहाँ पे जाएगा ढेर सारा धनिया। अभी इसको हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं पानी का यूज थोड़ा भी करना नहीं है दोस्तों। एक बार ये वड़ा खाओगे ना दोस्तों तो दूसरा वड़ा खाना भूल जाओगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं ना बाई चांस से अचानक, तो हमें कभी नाश्ते में या कुछ करना पड़ता है तो ये मैं इजिली बना लेती हूँ, उनको बहुत पसंद आता है। आप भी घर पे बना पाओगे, आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ गया तो इजिली ये बन जाता है, आपकी तारीफ भी हो जाएगी और झट से हमारा ये काम भी हो जाता है। और आलू तो सबके घर में होते भी है और मसाले भी हमारे घर में होते, हमें बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं होती, तो क्यों ना भी सारे मसाले अच्छी तरह से आलू के साथ हमें मिक्स की जाए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे मिक्स कर लिए आलू के साथ जो भी सामग्री मैंने डाली थी, और ये अपने आप टाइट सा डो बन गया है। इसको ज्यादा मेहनत लगती नहीं और कुछ नहीं, एकदम झट से बनाया जाता है दोस्तों। मैं आपको लेके बता देती हूँ, वाव
देख लो एकदम परफेक्ट जैसे हमें चाहिए वैसे रिजल्ट मिल गया है। सूजी डाले, सूजी से भी बहुत अच्छे तरह से बाइंडिंग आती है, यानी कुरकुरापन बहुत बढ़िया आता है दोस्तों। इसी तरह से अभी हमें क्या करना है, छोटे छोटे वड़े बना लेना है। अभी यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, यानी हाथों को चिकना कर लेना है हमें चमचे के सहायता से, क्योंकि हम जब वड़े बनाएंगे तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं डो। इसी तरह से देख रहे हो परफेक्ट। अभी हाँ दोस्तों, आपको बड़ा छोटा बड़ा चाहिए आपके हिसाब से कर सकते हो। मैं मीडियम साइज करूँगी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं करूँगी। अभी इसको पहले लड्डू के जैसे गोल गोल करते जाना है हमें, ऐसे फ्लैट कर लेना है पहले, इसे टिक्की के जैसे पहले बना लेना है दोस्तों। बहुत ही नया तरीका है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगी वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अभी इसको हमने ऐसे अभी बीच में से हमें छेद कर लेना है इसी तरह से, देख रहे हो इसी तरह से परफेक्ट। जो भी दरारे होते हैं वो उसको ऐसे कर लेना है राउंड शेप में एकदम। बहुत सिंपल है और झट से बनाया जाता है, देख रहे हो। इसी तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको वड़े को शेप दे दिया हुआ है। आपको जो शेप देना पसंद करते हो आपके मनपसंद शेप दे सकते हो। मुझे ये शेप अच्छा लगता है क्योंकि ये शेप देने से क्या होता है, हम जब फ्राई करते बीच में से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, कच्चापन थोड़ा भी रहता नहीं है। तो क्यों ना अभी सारे वड़े ऐसे ही बनाए जाए। अभी यहाँ पे सारे वड़े हमने बना लिए दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से। अभी हम लोग फ्राई कर लेते, ऑयल चेक कर लेना है हमारा ऑयल गर्म हुआ क्या नहीं। अभी यहाँ पे ऑयल चेक कर लिया मैंने, गर्म हो गया ऑयल। अभी यहाँ पे हमने एक एक वड़ा डाल देना है इसी तरह से, एकदम ज्यादा भी गर्म नहीं चाहिए और ज्यादा भी ठंडा नहीं चाहिए, नॉर्मल वाला ऑयल हमें चाहिए, तभी जाके हमारे वड़े एकदम कुरकुरे बनेंगे खाने में दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे वड़े हमें डाल देना है, इसको तुरंत टच नहीं करना है, थोड़े टाइम देने के बाद ही टच करना है। पहले टच कर दोगे फिर जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट आएगा नहीं। क्या बोलोगे, गीता ने पहले हमें क्यों नहीं बताया, है ना। तो इसको हमें अच्छी तरह से हल्के से 2 मिनट के बाद टच कर लेते हैं। अभी हम टच करेंगे, अब एक एक वड़ा हमें क्या करना है, उलट पुलट करते जाना है। देखो इसी तरह से बहुत ही बढ़िया बन जाता है दोस्तों। तो इसको ऐसे बीच बीच में इसे उलट पुलट करते जाना है और इसको गोल्डन फ्राई करना है। अभी आप देखो हल्के से ये ऊपर भी आ गए, इसे समझ में आता है हमारे वड़े हल्के भी हो गए और कुरकुरे भी बन गए और अंदर से सॉफ्ट है, जैसे हमें चाहिए वैसे गोल्डन कलर आ गया है। तो क्यों ना फिर बाकी के सारे वड़े ऐसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दे हमने बहुत ही कम समय में झटके पट आलू का वड़ा, रिजल्ट आपके सामने और नए तरीके से हमने आपको बताया हुआ है दोस्तों। मैं लेके बता देती हूँ, देख रहे हो करारे, आवाज भी देख लेना अंदर से बहुत ही हल्के सॉफ्ट है, बाहर से बहुत ही करारे हैं। यहाँ पे हमने टमाटर केचप के साथ सर्व किया हुआ है, वाव देख रहे हो एकदम मस्त हो गए। हमारे बारिश के मौसम में ऐसा कुछ चटपटा खाने का मन हो जाता है तो बस दिल खुश हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज का वीडियो आपको कैसे लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट भी करते रहना है। नए हो गए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद दोस्तों।